करने के लिए नियो यहाँ पे सेवन सीज के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे, मतलब सेवन सीज को भी जूझना पड़ेगा यहाँ पर दो टीम के साथ साथ। तीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स है ये, टीम सोल, सेवन सीज एंड गॉड लाइक क्लच गॉड जब तक है तब तक मुमकिन है ये फाइट लेके जाना। रेगल टॉस भी यहाँ पे हार नहीं मानने वाले हैं, वो आते हैं रिवाइव देंगे मॉर्टल को। फाइट यहाँ पे 3v2v2 पे कन्वर्ट होता हुआ, एक जो टेबल में सेकंड पे है, एक जो टेबल में थर्ड पे है, और एक जो कहती है कि हमें दिन से मतलब नहीं है, 12 मैचेस वी आर अप टू इट। यहां पर अब डोमिनेशन की बारी आ चुकी है, रेगल टॉस मॉर्टल एंड मवी एक ईस्टर्न कॉर्नर पर, सामने से आपको मिल जाएंगे सेवन सीज के दो, वेस्टर्न साइड पर आपको मिल जाएंगे टीम गॉड लाइक के दो खिलाड़ी। बट जोन अगर इस पूरे मैच में किसी से अपनी दोस्ती सही तरीके से निभा पाया तो इट वॉज टीम सोल, अभी तक भी सर्कल के अंदर है और गेट कीप करना मुझे यहां से बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा। 19 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, क्लच गॉड यहां पर अभी के लिए प्रिंसेस प्रे गॉड की इस डुओ डोमिनेशन पर थोड़ा सा भारी प्रहार करते हुए। स्मोक कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है, टीम सोल इज लुकिंग फॉर दो स्मोक कवर्स एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं रेगल टॉस स्मोक्स को टॉस आउट कर रहे हैं। सेवन सीज के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे स्प्रे डाउन किया जा रहा है, रेगल टॉस को फायदा मिलेगा सप्रेसर का, M16 विद सप्रेसर, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी पोजिशन यहाँ पे पता नहीं चलने वाली है। क्लच गॉड गोइंग इन फॉर दैट लो रिज फ्लैग, यहाँ पे सोल अगर नहीं दिखते हैं इस लोअर रिज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट नियो पीक करते हैं यहाँ पर सेवन सीज से झटका पड़ने वाला है। रेगल टॉस ट्राइंग टू बी एग्रेसिव, अगर क्लच गॉड यहाँ पे स्पॉट हो जाता है देन इट्स ऑल ओवर फॉर टीम गॉड लाइक। नियो को पोजिशन पता हो चुका है, स्प्रे गॉड को किया जाएगा नॉकआउट एंड सेवन सीज के आखिरी खिलाड़ी, आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी फाइनली, एंड क्लच गॉड को भी किया जाता है नॉकआउट। इट्स अ वन वर्सेस थ्री फॉर टीम सोल, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सोल विनर विनर चिकन डिनर। माय एवरीबॉडी, व्हाट टू से अबाउट इट? Winners don't wait for chances, they make them. यहाँ पर टीम सोल के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो फ्लो की आप बात कर रहे थे वो सामने पूरी तरीके से आ चुका है। वाओ, टीम गॉडलाइक यहां से डाउन हो चुकी है, डाउन टू वन, प्रिंस बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और तीन खिलाड़ी यहां पर टीम सोल के बच जाते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 21 फिनिशेस के साथ टीम सोल यहां पर अपने आज के पहले ही मैच में चिकन डिनर लेके जाती है। प्रिंस के पास ज्यादा मौका नहीं है जोन के बाहर, और टीम सोल आई थिंक क्या बेहतर शॉट यहां पर हो जाती है। टीम सोल coming up with the sweet smell of victory for the very first match of Grand Finals Day 6. Day 6 की शुरुआत हो तो ऐसे हो, Team Soul 21-22 finishes overall, second highest number of finishes हम देख रहे हैं।